राष्ट्रवाणी मैथिली चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत आभार है। देखिए आज है अक्षय नवमी और हम लोग करने जा रहे हैं आज अक्षय नवमी की पूजा। देखिए आप लोग को अक्षय नवमी की पूजा किस तरह से करनी है, इस तरह से आपको धागा लपेटना है मनोकामना का, और इसके साथ साथ अपन भी मनोकामना भी बोलते चले जाए। अगर आपकी संतानें हैं तो आप ये बोलेंगे कि हे अक्षय नवमी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र संतान दीजिए और वो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि अगली अक्षय नवमी पर आपकी गोद में बच्चा होगा। इसमें आपके दो लड्डू या फिर दो मखाने आप गोद में लेके जाइए, यहाँ से पूजन करिए। पूजन सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये रखा है, इसमें है दीपक बनाने का, ये यहाँ पर सामान है धूप दीप बत्ती, इसके साथ साथ यहाँ मिष्ठान है, फल है, फूल है, और आपके पास जल है। आप एक तरह इस तरह से लोटा ले लीजिए, इसे आप जल चढ़ाएंगे और बोलते चले जाएंगे, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, आवल वृक्षाय 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 नमः। इस तरह से बोलते हुए आपको पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद आप इसको पंचामृत अर्पित करेंगे, पंचामृत अर्पित करिए, उसके बाद मिष्ठान अर्पित करेंगे और अक्षत, अक्षत यानी ना टूटा हुआ चावल, इस तरह से आप अर्पित करेंगे। और उसके बाद आप इस तरह इसमें फल को यहाँ रख देंगे इसे प्रदान करते हुए। इसके बाद आप मिष्ठान चढ़ाएंगे यहाँ पर और नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यम नैवेद्यामि बोलते हुए आप इसे चढ़ाएंगे। फिर आपको इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध जो है डालना है, इस तरह से आप कच्चा दूध इसमें अर्पित करेंगे। ये हो गया आपका। और इसके साथ ही आपको जो है, अगर आपके पास आंवला है तो आप आंवला ले लीजिए, इस पर आंवला रख दीजिए, एक दक्षिणा रख दीजिए, थोड़ा सा इस तरह से आप जो है चने की दाल अर्पित कर सकते हैं, गुड़ अर्पित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें अर्पित कर सकते हैं। और तुलसा जल आपने कराए हैं तो वो भी अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसको तिलक लगाएंगे और इसमें आपको 7 बिंदी लगानी है, ये हो गई पूरी आपकी 7। और फिर आप इसको पीला वाला चंदन भी लेपेंगे, ये लगाते हुए आपका अक्षय नवमी का पूर्ण हो गया। इसके बाद आप शाम के समय क्या करेंगे, भोजन बना के घर से लाएंगे, जैसे आप पकवान बनाते हैं, पूड़ी है, पूड़ी बनाई आपने और खीर बनाई आपने, हलवा बनाया, वो सब ला करके इस वृक्ष के नीचे आप पहले भोजन दीजिए पंडित जी को और उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करिए इसी पेड़ के नीचे बैठ करके। ये होता है आज के व्रत का समापन। जब भी आप ऐसा व्रत रखते हैं तो आपके पास अखंड लक्ष्मी आती है, अक्षय लक्ष्मी आती है, आपका अक्षय धन होता है, अक्षय परिवार होता है, आपका सब कुछ बहुत अक्षय होता है, तो इसलिए आपका कभी ना टूटने वाला अखंड सौभाग्य मिलता है आपको। ये सब आप जो है करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ हम प्रणाम करते हैं, ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः।